की चटनी। तो अमरूद की चटनी के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, पुदीना, एक पाव अमरूद, हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ा सा गुड़, स्वाद अनुसार जीरा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। आइए बनाते हैं चटनी। अमरूद हम काट लेते हैं, हमने धो लिया है, धो के साफ कर लिया है। इसका बीज हम नहीं डालेंगे, खाली अमरूद के पार्ट डालेंगे, क्योंकि अमरूद का बीज सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और सर्दी में इस टाइम अमरूद बहुत आया हुआ है मार्केट में। आप इसकी चटनी बनाएं, खाएं और खिलाएं। आगे हम आपको अमरूद की सब्जी बना के खिलाएंगे। तो आपको जिस जिसको अमरूद की सब्जी खानी है, देखनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू डिशेज की अपडेट मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको क्या खाना है आगे। कि हम पत्तियां तोड़ लेंगे, क्योंकि इसकी डंडी थोड़ी सी मोटी लग रही है, तो इसलिए हम पत्तियां तोड़ लेंगे, जो कि हमने धो के साफ करके रख लिया है। डालते हैं पानी और इसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा जीरा, गुड़, हल्के से डालते हैं हींग, थोड़ा सा डालते हैं चाट मसाला, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बनकर हो गई है तैयार। चलिए देखते हैं, ये देखिए एकदम फाइन पीस के तैयार हुई है। अब इसको डालते हैं कटोरी में। चलिए डालते हैं अमरूद की चटनी। आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको रोटी और दाल के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। चटनी बन के तैयार है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देसी मोम की रसोई में आपने क्या खाना है उसके लिए हमें कमेंट करें, और बने रहें हमारे साथ।